तो मूवी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से, जहाँ मैरी अपने मॉम के साथ रहती है और आज उनके घर क्रिसमस की पार्टी चल रही है। पार्टी में आसपास से काफी गेस्ट आए थे जिनमें से एक था मिस्टर रेड। असल में उसने मैरी के फादर को कुछ पैसे लोन पर दिए थे जिन्हें वो जीते जी नहीं चुका पाए और अब रेड उनके घर पर कब्जा करना चाहता था। फिर वो उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर मैरी उससे शादी कर ले तो उनका सारा कर्जा माफ हो जाएगा और वो उन्हें इस घर से भी नहीं निकालेगा। मैरी और उसकी मॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर जाने को बोलते हैं। रेड जाते हुए मैरी को एक टॉय देता है। वो कहता है कि इसका नाम नटक्रैकर है और ये तुम्हें मेरे ऑफर की याद दिलाता रहेगा। मैरी बहुत डर गई थी लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। रूम में आते ही मैरी उस टॉय को नीचे फेंक देती है कि तुम मुझे उस शैतान रेड की याद दिलाते हो और दुखी होकर एक गाना गुनगुनाने लगती है। वो रूम में रखे अपने टॉय से बात करती है कि जहाँ एक तरफ सब क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं वहीं उन लोगों का घर उनसे छीनने वाला है। वो विश मांगती है कि काश वो अपने बचपन की तरह फिर से छोटी हो जाए जहाँ इस तरह की कोई टेंशन नहीं थी और वो सारा दिन बस अपने टॉयज के साथ खेलती रहे। तभी आसमान से एक रोशनी निकलकर मैरी के पास आती है जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया था और देखते ही देखते उसका साइज छोटा हो जाता है। मैरी को कुछ समझ नहीं आता। मदद के लिए वो अपनी मॉम को आवाज लगाती है लेकिन वो उसे नहीं सुन पाती। उसके आसपास की चीजें उसके लिए खतरा बनने लगी थी और तभी उसका सामना एक बड़े से रैट से होता है जो उसे अपना खाना बनाने वाला था। मैरी को लगा कि अब वो शायद नहीं बच पाएगी लेकिन तभी उसकी मदद करने एक लड़का वहाँ आता है जो कि एक सोल्जर की ड्रेस में था। वो उस रैट का मुकाबला करने लगता है। एक शीप और विजर्ड इस काम में उसका साथ देते हैं जो असल में मैरी के ही टॉय थे और रैट डर कर एक होल के थ्रू वहाँ से भाग जाता है। मैरी को लगता है कि वो शायद कोई सपना देख रही है। तब वो विजर्ड उसे बताता है कि ये सब क्रिसमस पर मांगी तुम्हारी विश के कारण हुआ है जिससे सभी टॉयज अब जिंदा हो चुके हैं और तुम जितना चाहो उनसे खेल सकती हो। मैरी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड थी लेकिन साथ ही उसे डर था कि अब उसके फ्यूचर का क्या होगा और क्या वो हमेशा के लिए ऐसे ही बनकर रह जाएगी। इस पर विजर्ड कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्पेल बस रात भर के लिए है और सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तभी वो सब उस सोल्जर को देखते हैं जो असल में रेड का दिया वो नटक्रैकर टॉय है लेकिन इसके अलावा उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था। वो तो बस इतना जानता था कि उसे रेड से बहुत नफरत है और उसे किसी भी तरह उनका सफाया करना है और ये कहकर वो उस हॉल में जाने लगता है। विजर्ड उसे रोकना चाहता था क्योंकि स्पेल तोड़ने के लिए सभी टॉयज का इस रूम में होना बहुत जरूरी है लेकिन वो लोग नटक्रैकर को नहीं रोक पाते। मैरी अपनी शीप फ्रेंड कर्ली और ऑस्ट्रिच फ्रेंड सैम के साथ उसे रोकने जाती है और वो सब उस हॉल के थ्रू एक अजीब सी जगह पहुंच जाते हैं। मैरी उस लड़के से वापस चलने को बोलती है पर वो वापस जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। तभी उन्हें कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है और ये देखकर वो सब छुप जाते हैं। पता चलता है कि ये यहाँ की क्वीन शार्लेट की सवारी है जो अपने सोल्जर से गाड़ी को रोकने को बोलती है। उन्हीं में से एक था उसका बेटा फिलिप जो ऐसा करने का कारण पूछता है जिस पर शार्लेट कहती है कि उसे यहाँ किसी इंसान की स्मेल आ रही है। तभी सैम डरकर वहाँ से भागने लगता है और फिलिप और उसके लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए एक छोटी सी दरार आती है जिस पर फिलिप अपने लोगों को इशारा करता है और देखते ही देखते वो सब रैट में बदल जाते हैं। दरार से निकलते ही वो अपने इंसानी रूप में आ गए थे पर वहाँ उन्हें इंसान की बजाय एक ऑस्ट्रिच मिलता है और निराश होकर वो वापस चले जाते हैं कि ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। सैम के फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच चुके थे और नोटिस करते हैं कि वो लड़का शायद इस जगह को पहले से पहचानता है। तभी एक झरने के पीछे उसे एक कैसल दिखाई देता है जिससे उसकी सारी मेमोरीज लौट आती हैं और उसे याद आता है कि उसका असली नाम जॉर्ज है। यहाँ उसके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो किंग यानी अपने पिता के साथ उस कैसल में खेल रहा था। फिर एक दिन उसकी मॉम इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और किंग अपने लिए एक नई क्वीन ले आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि शार्लेट ही थी। जॉर्ज उनकी असलियत जान चुका था और ये भी कि शार्लेट एक पोशन के थ्रू किंग को हमेशा नींद में रखती है जिससे उसे आसपास की कोई खबर ना हो, यहाँ तक कि अपने बेटे की भी नहीं। जॉर्ज ने उनका मुकाबला करने की सोची लेकिन शार्लेट ने उसे एक टॉय में बदलकर कैसल से बाहर फेंक दिया ताकि वो यहाँ से दूर चला जाए। जॉर्ज ये सब अपने फ्रेंड्स को भी बताता है लेकिन मैरी को तो बस वापस जाने की चिंता थी ताकि सुबह होते ही वो अपने असली साइज में आ सके। पर जल्दी ही वो उसकी प्रॉब्लम समझ जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले उन्हें जॉर्ज की हेल्प करनी होगी और फिर सुबह होते ही वो अपने रूम में वापस चले जाएंगे। उधर फिलिप शार्लेट को बताता है कि किंग ने पोशन पीने से मना कर दिया है और कहीं ऐसा ना हो कि वो होश में आ जाए।
ये सुनकर शार्लेट खुद किंग के पास जाती है जो अभी भी उसे बहुत प्यार करता था और उसे समझाती है कि तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी है और सिर्फ ये पोषण ही तुम्हें ठीक कर सकता है। किंग को उस पर कोई शक नहीं होता और पोषण पीते ही उसकी सेंसेस फिर से चली जाती हैं। नींद में भी वो जॉर्ज को याद कर रहा था जिस पर शार्लेट कहती है कि अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगा और मेरा बेटा फिलिप भी यहाँ का अगला किंग बनेगा। इधर जॉर्ज उन सबको एक पुरानी टनल दिखाता है जो सीधा उन्हें कैसल के अंदर ले जाएगी और वो सब एक राफ्ट के थ्रू आगे बढ़ने लगते हैं। आगे वो सब एक पुराने तहखाने में आते हैं जिसमें जॉर्ज के पूर्वजों के स्टैचू लगे हुए थे और जल्दी उनकी सोल्स इनका रास्ता रोक लेती हैं। वो इन्हें घुसपैठिए समझकर इन पर अटैक कर देती हैं, जिसमें एक स्पीयर सीधा जॉर्ज को आ लगता है पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। उस सोल्स उसका नाम सुनकर चौंक जाती हैं कि ये तो उनका वारिस प्रिंस जॉर्ज है और उसके इस तरह यहाँ आने का कारण पूछती हैं। तब जॉर्ज उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे कुछ रेड्स इस टाउन पर कब्जा करना चाहते हैं और वो यहाँ उन्हें रोकने आया है। इस पर वो उसे एक मैजिकल फ्लूट ढूंढने को बोलते हैं जिसकी लोकेशन सिर्फ उसके डैड को पता है और जॉर्ज ये सुनकर निकल पड़ता है। आगे वो छुपते हुए रॉयल किचन में आते हैं जहाँ एक शेफ सैमी को टर्की समझकर मारने की कोशिश करता है पर वो किसी तरह उससे बच निकलते हैं। यहीं जॉर्ज अपनी बचपन की फ्रेंड मार्गरेट से मिलता है जो बाकी इंसानों की तरह शार्लेट की गुलामी कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मार्गरेट बताती है कि कैसे वो और जॉर्ज बचपन से बहुत क्लोज थे पर मैरी ये सुनकर जेलस फील करने लगती है। आगे उन्हें पता चलता है कि आज प्रिंस फिलिप की बर्थडे पार्टी है जिसका फायदा उठाकर वो किंग तक पहुंच सकते हैं और मार्गरेट वहां जाने के लिए उन्हें कुछ कॉस्ट्यूम भी देती है। जल्दी ही वो उस पार्टी में आते हैं जहां टाउन के सारे रेड्स भेस बदल कर आए हैं और वो बात कर रहे थे कि कैसे शार्लेट इस टाउन को हमेशा के लिए बदलने वाली है। यही वो फिलिप से भी मिलते हैं जिसे जॉर्ज को देखकर शक होने लगा था पर मैरी उसका ध्यान भटकाने के लिए बीच में आ जाती है और इसे जॉर्ज को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। जल्दी ही वो अपने डैड के रूम में आता है लेकिन उसकी किसी भी बात का उन पर कोई असर नहीं होता और ये देखकर वो उदास हो जाता है। मैरी और उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहीं आ गए थे और तभी उनकी नज़र किंग के हाथ से गिरे एक पेंडेंट पर पड़ती है जो शायद उस मैजिकल फ्लोर तक जाने का क्लू हो सकता है। सामने एक मिरर पर भी वैसा ही निशान बना था और पेंडेंट को लगाते ही उन्हें एक हिडन स्टोरेज मिलती है जिसमें एक मैजिकल स्क्रॉल रखा हुआ था। स्क्रॉल उन्हें उस फ्लोर तक जाने का रास्ता बताता है कि वो एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा। जॉर्ज समझ गया था कि वो टाउन के टावर की बात कर रहा है लेकिन तभी किसी के आने की आवाज़ सुनकर वो छुप जाते हैं। पता चलता है कि ये शार्लेट है जो खुद भी उसी फ्लूट को ढूंढ रही है और उसके मिलते ही वो किंग को मार डालेंगे। जॉर्ज और मैरी एक रस्सी के सहारे उस टावर में जाते हैं जहाँ मार्गरेट भी एक खिड़की से उन्हें देख रही थी। तभी फिलिप और शार्लेट मार्गरेट के पास आते हैं जिन्हें उसकी सच्चाई का पता चल गया था और शार्लेट यहाँ उसे एक डील करती है। उधर टावर में उन लोगों को कुछ नहीं मिलता लेकिन स्क्रॉल की मदद से वो आगे का रास्ता ढूंढ निकालते हैं जो वहाँ लगे रग के नीचे था लेकिन कुछ दूर जाते ही सीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं और जॉर्ज कहता है कि अब उसे कूद कर नीचे जाना होगा। मैरी उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी पर जैसे ही जॉर्ज अगला कदम रखता है वहाँ अपने आप सीढ़ियाँ बनने लगती हैं और वो उसके थ्रू फ्लूट तक पहुँच जाते हैं। पर फिर पता चलता है कि यहाँ तो उसके जैसे हजारों फ्लूट्स हैं जिन्हें चेक करने में बहुत टाइम निकल जाएगा। जॉर्ज अब हार मान चुका था कि सुबह होने तक वो इसका पता नहीं लगा पाएंगे और अब शायद उन्हें वापस चले जाना चाहिए पर मैरी उसे विश्वास दिलाती है कि सच्चे दिल से मांगने पर हर विश पूरी होती है। वो दोनों मन ही मन प्रे करने लगते हैं जिसके साथ ही वहाँ रखी सारी फ्लूट्स मिलकर एक हो जाती हैं, जो कि वही मैजिकल फ्लूट थी। वो तुरंत उसे लेकर पैलेस में आते हैं जहाँ शार्लेट उनका वेट कर रही थी। जॉर्ज उस फ्लूट को बचाने की धमकी देता है लेकिन देखता है कि मार्गरेट उनके कब्जे में है जो उसे अपने मिशन को पूरा करने को कह रही है पर जॉर्ज उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और फ्लूट को शार्लेट के हवाले कर देता है। तभी उन्हें मार्गरेट की सच्चाई का पता चलता है जो उनकी बेवकूफी पर हंस रही थी और बताती है कि वो भी अब इनकी तरह माउस बन चुकी है। शार्लेट ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसकी शादी फिलिप से करा देगी ताकि वो यहाँ की प्रिंसेस बन जाए। जॉर्ज को उस पर बहुत गुस्सा आता है जिस पर मार्गरेट कहती है कि यही तो मेरे बचपन का सपना था जो तुम अब पूरा नहीं कर सकते। सैम और कर्ली भी उन दोनों को अरेस्ट होते हुए देखते हैं और प्लान बनाते हैं कि हमें किसी भी तरह उन्हें फ्री कराना होगा। वो दोनों छुपते हुए किंग के रूम में आते हैं जहाँ गलती से सैम ने उस पोशन को पी लिया है और उसकी जगह ग्लास में नॉर्मल पानी डाल दिया है। इससे वो बेहोश होकर टेबल के नीचे गिर जाता है और तभी कुछ सोल्जर्स वहाँ आकर कर्ली को पकड़ लेते हैं। आगे का सीन मेन हॉल का है
जहाँ किंग के साथ साथ जॉर्ज, मैरी और कर्ली भी बंधे पड़े हैं। शार्लेट बताती है कि वो फ्लूट हमारे हाथ लग चुकी है, जिसे रेड प्रजाति सदियों से ढूंढ रही थी, और यही है जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। तभी वो किंग को होश में आते हुए देखते हैं और उसका नौकर किंग के रूम से वो ग्लास लेकर आता है, बिना ये जाने कि उसमें पोशन की बजाय नॉर्मल पानी है। इसीलिए किंग पर उसका कोई असर नहीं होता और उसने जॉर्ज को भी पहचान लिया था। शार्लेट को इसकी जरा भी खबर नहीं थी और मार्गरेट किंग के क्राउन को लेकर फिलिप को दे देती है। वो उसे यहाँ का नया राजा घोषित करते हैं, पर तभी किंग उन्हें ये सब बंद करने को बोलता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। शार्लेट का राज अब खुल चुका था, लेकिन वो किसी की कोई परवाह नहीं करती और कहती है कि जब तक ये फ्लूट मेरे हाथ में है, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बताती है कि इस फ्लूट में कुछ मैजिकल पावर्स हैं, जिसे अगर इंसानों ने बजाया तो रेड्स अपने असली रूप में आ जाएंगे, और अगर रेड्स इसे बजाते हैं तो वो इंसानों को अपने कब्जे में कर सकते हैं। ये कहकर वो इसका एक नमूना दिखाती है, जिससे सभी इंसान उसके इशारों पर नाचने लगते हैं। उधर किंग के रूम में सैम को होश आ गया था, जिसे स्क्रॉल उसके दोस्तों के बारे में बताता है और वो तुरंत उन्हें बचाने निकल पड़ता है। अचानक उसके आने से वहाँ खलबली मच जाती है, जिससे फ्लूट शार्लेट के हाथों से छूट गई थी। फिलिप उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी अपनी वैले स्किल्स यूज करके उस तक पहले पहुंच जाती है। फिर वो उसे किंग के हवाले करती है और कहती है कि अब इस ड्रामे को खत्म करने का टाइम आ गया है। किंग के फ्लूट बजाते ही रेड्स अपने असली रूप में आने लगते हैं, जिसमें मार्गरेट भी शामिल थी, और जॉर्ज उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देता है। किंग और सभी इंसान इस बात से बहुत खुश होते हैं और उनके टाउन की खुशहाली वापस आ जाती है। तभी जॉर्ज देखता है कि बाहर सनराइज होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो मैरी को वापस ले जा पाए, वो अचानक से गायब हो जाती है। आगे हम उसे अपनी नींद से जागते हुए देखते हैं और उसे लगता है कि ये सब शायद उसका एक सपना ही था। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और कहती है कि रेड इस घर पर कब्जा करने आया है, इसीलिए हमें इसे अभी छोड़कर जाना होगा। लेकिन मैरी ने शायद इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला था। वो रेड से शादी करने को तैयार हो जाती है। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं, जो वहाँ मैरी की मदद करने आया है, और मैरी भी उसे देखकर खुश हो जाती है। जॉर्ज बताता है कि उसने रेड का सारा कर्जा उतार दिया है और अब वो तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता। ये कहकर वो जॉर्ज को वहाँ से भगा देता है। आगे वो मैरी को प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाना चाहता हूँ, और मैरी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी सैम और कर्ली वहाँ आते हैं और पता चलता है कि ये सब उस मैजिक फ्लूट का कमाल है, जिसने हमेशा के लिए उन्हें जिंदा कर दिया है। एंड सीन में वो एक फ्लाइंग कार से अपने कैसल की ओर निकल जाते हैं, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।